हाय गाइस, मेरा नाम अजय शराबत है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे कंट्री में 500 और 1000 के नोट बैन कर दिए गए हैं। 8 नवंबर को मोदी जी के खुद के भाषण के बाद जब ये नोट बैन हो गए, तो मैं वेट कर रहा था कि कुछ लोग नई नई तरह की थ्योरीज निकालेंगे, बिकॉज पहली बार करप्शन को खत्म करने के लिए एक पहली बार ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया जिसने इतना सख्त स्टेप लिया है। और अगर आप लोग को लगता हो कि ये सडन हो गया, जैसे सारे पॉलिटिशियंस करें नहीं, अचानक कैसे कर सकते हो, जनता के लिए अचानक कैसे कर सकती हो, अगर आपको ध्यान ना हो, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा आपको इशारे से जरूर बताया, इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ प्लान। ये कभी भी आपके लिए अचानक नहीं था। आपके आधार कार्ड बनाना अचानक नहीं हुआ। आधार कार्ड के बाद जनधन योजना चलाना, जिसमें आपके बैंक अकाउंट खोले गए, आपकी चीजों को पेपरलेस किया गया, वो अचानक नहीं हुआ। सब्सिडीज के पैसे अकाउंट्स में जाना, एलपीजी के सब्सिडी के पैसे अकाउंट्स में जाना, वो अचानक नहीं हुआ। एग्रीकल्चर की सब्सिडी के पैसे अकाउंट्स में जाना, वो अचानक नहीं हुआ। इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ प्लान। पहले आधार कार्ड, फिर जनधन, फिर आपकी जनधन के बाद आपके सब्सिडीज को भेजना, आपको पहले बैंकिंग से कनेक्ट किया गया। लेकिन फिर भी, बिकॉज मेरा कंट्री कभी से आलसपने में जूझता रहा है, तो बहुत सारे मेरे महानुभाव ने, बहुत सारे लाखों लोगों ने बैंक अकाउंट तब भी नहीं खुलवाए। एक रुपए की कॉस्ट पर बैंक अकाउंट खुल रहा था, लेकिन लोगों ने बैंक अकाउंट तब भी नहीं खुलवाए। बार बार बोलते बोलते मोदी जी थक गए, आधार कार्ड बनवा लो, जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट खुलवा लो, खुलवा लो, खुलवा लो, कोई सुनने को तैयार नहीं था। ठीक है, फाइनली 8 नवंबर को यह स्टेप ले लिया गया कि 500 से 1000 के नोट को हम बंद कर रहे हैं, ताकि हम करप्शन के एक बहुत बड़े लेवल को खत्म कर सकें और पूरी मार्केट की करेंसी मार्केट के अंदर वापस आ जाए, जो कि घरों में दबी पड़ी हुई है। अगर आपने देखा हो, लोग कह रहे हैं कि अभी कि भाई इससे करप्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खासकर मेरे माननीय योग पुरुष केजरीवाल जी। सही बता रहा हूं केजरीवाल जी, अगर ये डेमोक्रेसी और कानून ने हमारे हाथ नहीं बांधे होते ना, सच में हम आपका मार मार के मोड़ बना देते। मतलब सोचो, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए हम लोग एज ए यंगस्टर, आपको देखते देखते, आपकी बातों को सुनते सुनते, इतने घटिया ख्यालात हैं आपके। एक छोले भटूरे वाला ना दिल्ली में आपसे ज्यादा समझदारी की बात कर सकता है। और कौन लोग, क्यों? क्योंकि मोदी जी ने आपके करप्शन का एजेंडा छीन लिया है। आप आए थे ना करप्शन का एजेंडा लेके, क्योंकि आज मोदी जी ने करप्शन का एजेंडा ले लिया, तो आप सोच रहे हो कि मैं इलेक्शन किस भाप पर लड़ूंगा। अरे कभी तो अपनी ग्रीड को छोड़ो, अरे कभी तो अपने लालच को छोड़ो। इतना बड़ा स्टेप लिया गया है, अब तो सुधर जाओ। तुम पता नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे या नहीं थे सर, पता नहीं आपका क्या सीन है सर, किसने आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रखा पता नहीं। और कौन कहता है कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो यार, बस हम आपसे ही दुखी हो गए हैं। मतलब ऐसे ऐसे स्टेटमेंट। अच्छा देखो, करप्शन के केस से कौन कौन बौखलाया? अरविंद केजरीवाल जेन्युइन था, राहुल गांधी जेन्युइन है भाई, जिंदगी भर परिवार ने घोटाला ही तो किया, और क्या किया है। कौन कौन अगेंस्ट खड़े हैं? मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव को आप ऑनेस्ट लीडर मानते हो। लालू प्रसाद यादव, उसका जो फोर्डर घोटाले में तो खुद जेल से छूटा, उसको आप ऑनेस्ट लीडर मानते हो। मायावती, नोटों की माला पहनने वाली ऐसे लीडर। ऑपोजिशन में कौन कौन है? ममता बनर्जी, जिसने खुद कलकत्ता का भट्टा बटा दिया। एक बार ये देखो कि कौन लोग अपोज कर रहे हैं इस डिसीजन को। दोस्तों समझो, इन नेताओं के चंगुल में मत आओ, ये चीज को देखो। हाँ सब परेशान है, मैं भी परेशान हूं, मेरे पास भी 150 रुपए थे, 3-4 दिन से ऐसे ही घूम रहा हूं, मैं एटीएम तक एक्सेस नहीं कर पाया हूं। कहीं ना कहीं तक 130 करोड़ को देश को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट उतनी ज्यादा नहीं थी बैंक के पास। लेकिन हाँ, अभी बैंक ने कुछ मेजर स्टेप लिए हैं, जिसके तहत उन्होंने मोबाइल बैंक चलाने के लिए कहा है, मोबाइल एटीएम चलाने के लिए कहा है। मतलब आपके गांव में, आपके आसपास में अगर 6 एटीएम थे, अब मोबाइल एटीएम के थ्रू 10 वैन और खड़ी हो जाएंगे, तो आपके पास वहां 10-12 एटीएम और एक्स्ट्रा होंगे और बैंक भी शुरू हो जाएंगे। आप थोड़ा सा साहस रखो। और जितने भी लोग समझ रहे हो ना करप्शन सिर्फ नेता के पास है या किसके पास है, सोचो कर नेता के पास पैसा आता कहां से है। नेता को पैसा देने वाले हैं कौन? बिजनेसमैन, वेंडर्स, ट्रेडर्स, ये परचून की दुकान चलाने वाले, जितने भी जहां पे बैठे हैं, चांदनी चौक चलाने वाले। मेरा पूरा दिल्ली जानता है कि कैश पर मार्केट कैसे चलती है। आज भी दिल्ली में कितने परसेंट दुकानें हैं जो आपको बिल देती हैं? कोई बिल नहीं देता आपको। इस बात को समझो, इतने ज्यादा लोगों का पैसा मार्केट में आया जो होल्ड करके बैठे थे। आप जो लोग कह रहे हैं ना कि ये लाइनें बहुत लंबी लंबी हैं, बाहर लाइनें बहुत लंबी लंबी हैं, मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता देता हूं लाइनें क्यों लंबी हैं। इनमें से आधे से ज्यादा लोग वो हैं जिनके फैक्ट्री ऑनर्स ने अपनी लेबर को छुट्टी देके पैसे देके भेजा कि जाओ डिपॉजिट करा के लाओ और कैश एक्सचेंज करा के लाओ, ताकि वो अपने ब्लैक का व्हाइट कर सकें। इनमें से ज्यादा पॉपुलेशन वो जो उस पैसे को रिप्लीट कर रहे हैं। हमारे जैसे लोग हैं, 4.5% से 5% के सैलरी लोग हैं, जो सिर्फ तनखा में से अपना टैक्स कटाते थे, बाकी के बाकी तो टैक्स का पैसा ही खा रहे थे। रोज टैक्स बचाओ, ये टैक्स ही नहीं भरते। डॉक्टर हैं, कितने इंडिपेंडेंट क्लिनिक्स हैं, कितनी इंडिपेंडेंट शॉप हैं, ट्रेडर्स हैं, चांदनी चौक है, भगीरथ पैलेस है, मार्केट है, जहां सिर्फ कच्चा काम होता है। मैं खुले में बता रहा हूं, सिर्फ कच्चे का काम होता है, जहां पे कहा जाता है भाई साहब कच्चे में डील करेंगे, ये ना आपको कभी बिल देंगे। इनका धंधा होता है 60 लाख का, और इनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल उठा के देखोगे ना, तो मिलेगी आपको 7 लाख रुपए की। तो सोच के देखो, क्यों सैलरी आदमी, एक सैलरी वाला आदमी ही सारे भारत का टैक्स क्यों भरेगा? ये बिजनेसमैन कहां जाएंगे, ट्रेडर्स कहां जाएंगे, ये कौन भरेगा इनका टैक्स?
ये क्या मक्खन मलाई खाने के लिए बैठे हुए क्या? और इन्हीं के ऊपर लगाम लगाने के लिए मोदी जी ने स्टेप लिया है, और ये बहुत ही कमेंडेबल स्टेप है, ये फ्यूचर का स्टेप है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेप है। इस स्टेप के अंदर मोदी जी को अगर हम सपोर्ट नहीं करते तो हम कायर हैं, हम पे धिक्कार है हमारी जिंदगी पर कि एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो इस देश को कहीं ले जाने में सक्षम है, उसे ले जाने की राह रखता है, और हम आज उसे सपोर्ट तक नहीं कर पा रहे। कल आर्मी की बात जब आई तो इंटरनेट फ्लडेड था कि हम आर्मी के साथ हैं, ये हैं, सपोर्ट है। अरे इंटरनल वॉर छेड़ लो तुम, बाहर तो आर्मी बहुत अच्छी है, जो अंदर की वॉर छिड़ी है ना, हमें इससे लड़ाई लड़नी है, हमें केजरीवाल जैसे टुच्चे जाहिल और इन गवार मुख्यमंत्रियों से पीछा छुड़ाना है। मायावती की कास्टिस की पॉलिटिक्स, मुलायम सिंह यादव की कास्टिस पॉलिटिक्स, ये चोर बैठे हैं, पुराने पापी बैठे हैं, ये कांग्रेस आज के थोड़ी ना, ये 60 साल की दीवी बीमारी हमें करप्शन की। और मैं आपको कहता हूं, वादा दिलाता हूं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मोदी जी डेवलप कर रहे हैं ना, आप देखना आने वाले टाइम में इससे भविष्य बदलेगा। आज हम सब भारतीयों का, सब सबके सब सिटीजन की जिम्मेदारी है, अधिकार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज हम पर जो भी हो रहा है हम उसे झेलें, मोदी जी का साथ दें, और इस करप्शन की लड़ाई में मोदी जी के साथ खड़े हूं। मोदी जी मैं आपके साथ खड़ा हूं, और मेरे साथ पता नहीं कितने हजारों लाखों यंगस्टर आपके साथ खड़े हैं। अगर कोई इसके खिलाफ लड़ेगा तो हम उसके खिलाफ भी लड़ेंगे, लेकिन ये करप्शन की लड़ाई अब जारी रहेगी। मोदी जी आपके स्टेप के लिए जय हिंद।